हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ में हूं मैं स्टाइल। तो आ गई हूं एक और रिव्यू के साथ, प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, और वो है फेस वॉश का रिव्यू। टाइटल लेके आप पता ही लगा चुके होंगे मैं किस फेस वॉश की बात कर रही हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल @ekta_maheshwari65। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉश है वो है ये बायोटिक का पपाया विजिबली फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश। और आपको पता है कि बायोटिक के जो प्रोडक्ट हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ बायोटिक के, और बायोटिक का कोई ना कोई प्रोडक्ट मेरे पास हमेशा रहता ही है। कभी स्क्रब होता है, कभी सीरम होता है, कभी फेस वॉश होता है, तो कुछ ना कुछ मेरे पास जरूर रहता है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इसके प्रोडक्ट। तो बायोटिक आपको पता ही है जो ये ब्रांड है वो ऑर्गेनिकली प्योर ब्रांड है, और इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं होते, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हें बनाया जाता है। तो जो ये फेस वॉश है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। मैंने आपको अपने फेस वॉश के रिव्यूज में बताया हुआ है कि नीम और पपाया के फेस वॉश मुझे बहुत ज्यादा सूट कर जाते हैं, मेरी स्किन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं इसके नीम और पपाया के फेस वॉश। तो जनरली मैं ज्यादातर यही दोनों इंग्रीडियंट्स के अपने जो फेस वॉशेज होते हैं उन्हें चूज करती हूँ। तो बायोटिक एक आयुर्वेदिक रेसिपी के साथ है, 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं इसमें, आपको पता ही है। और जो इसका MRP है 150 का है, और जो इसका नेट वेट है 150 ml का है, और सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। तो ये भी मैंने पर्पल से मंगाया था और सेल के टाइम पे मंगाया था, मैंने हॉल में शेयर किया हुआ था, एक पर्पल का हॉल बनाया था। और अगर आपने वो हॉल नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा मुझे कम प्राइसेस में मिल गया था सेल के टाइम पे मंगाया था। तो इसमें पपाया है जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, स्किन को क्लीन करता है, डीप क्लीन करता है अंदर से, और इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी हैं, तो आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है। और इसमें ना कोई भी लेदरिंग नहीं होती, जस्ट स्क्रब की तरह ही ये काम करता है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लो सा आ जाता है जब मैं इस फेस वॉश को यूज करती हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं बता देती हूँ, पपीता जूस है, अखरोट शेल्स पाउडर है, मैंने आपको बताया कि ये एज ए स्क्रब का काम भी करता है, छोटे छोटे बहुत बहुत बारीक इसमें पार्टिकल्स है अखरोट के, नीम बर्क है इसमें, बन हल्दी ट्यूबर है, रीठा फ्रूट है, किकर गोंद, मूंगफली तेल और प्योरीफाइड वाटर है, सारे ही सारे जो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें। तो ये वाला जो फेस वॉश है मैं इससे पहले इसे यूज कर चुकी हूँ, दो ट्यूब्स में इसे यूज कर चुकी हूँ इससे पहले, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं इसे बार बार इसे परचेज करती हूँ और मुझे काफी पसंद आता है ये वाला फेस वॉश। और ये मेरे हस्बैंड को भी सूट कर जाता है आसानी से और अफोर्डेबल भी है, बायोटिक के सारे प्रोडक्ट ही अफोर्डेबल है। तो देखिए कितना खत्म हो चुका है, ये ऑलमोस्ट एंड ही है, और तो चलिए देख लेते हैं इसका डेमो। तो ये था डेमो, आपने देखा कि कितने अच्छे से डीप क्लीन करता है ये फेस वॉश, जो भी आपका ऑयल वगैरह होता है स्किन में उसे अच्छे से रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा टाइटन अप कर देता है, क्योंकि स्क्रब भी है इसके अंदर, स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी हैं इसलिए। तो ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ट्राई करके देखिए, और बहुत सारे लोग ट्राई करके देख चुके होंगे क्योंकि जो ये बायोटिक के ये वाली रेंज है ना पपाया नीम की, बहुत सारे लोग ट्राई करके देख चुके हैं। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो ट्राई करके देख सकते हैं, होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।